हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर नाइन डाटा हैंडलिंग के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर सेवन में दे रखा है द फॉलोइंग डिटेल ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ वीक रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्चरोग्राफ। यानी हमें पिक्चरों, यहाँ जो डाटा दे रखा है क्लास सिक्स के बच्चों का, यानी कि उनकी प्रेजेंटेशन दे रखी है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं पूरे वीक के दौरान। यानी मंडे को 24 स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, ट्यूसडे को 26, वेडनेसडे को 28, इस तरीके से बच्चे प्रेजेंट रहे। इनको हमें रिप्रेजेंट करना है पिक्चरोग्राफ के थ्रू। तो स्टूडेंट, पिक्चरोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपको डाटा दे रखा है आपको इसे किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर मैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये सिंबल आप किसके बराबर यूज़ करते हो, जैसे कि आपको ये देखना है कि जो नंबर है सारे के सारे किसी कॉमन टेबल में आते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उस नंबर को चूज़ करो, ज़्यादा बेहतर होगा। आप इनको 10 भी मान सकते हो कि एक पिक्चर 10 के बराबर है, 2 के बराबर ही मान सकते हो, 4 के बराबर, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के अंदर हमें एक पिक्चर को 5 से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। बट मैं 5 से रिप्रेजेंट ना करके मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा 4 स्टूडेंट से। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्जी स्टूडेंट से दिखा सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा। आपको क्या देखना है कि ये नंबर कौन सी कॉमन टेबल में आते हैं। अगर 4 की टेबल में आते हैं तो आप इसको 4 मान के चलो, वैसे आने को तो सारे को 2 की टेबल में आते हैं। अगर मैं 2 लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर बनानी पड़ेगी, टाइम कंज्यूम होगा। तो मैंने इसको शो करने के लिए 4 का यहाँ पर स्केल चूज़ किया है, 4 ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक पिक्चर 4 को स्टूडेंट नहीं करती है तो हाफ पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी लेस देन फोर स्टूडेंट को, यानी 4 से भी कम स्टूडेंट को, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने लिखा डेज, इसी टेबल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखूँगा मैं नंबर ऑफ सिंबल, ठीक, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लियर। अब देखो, जो नंबर ऑफ सिंबल का कॉलम है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सको। यहाँ पर डे मेंशन कर देता हूँ, मंडे, पहले मैं डे लिख लेता हूँ यहाँ पे पूरे। तो मैंने डे को मेंशन कर लिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ 24, 26, 28, 30, 29 एंड 22। एक सिंबल को 4 से रिप्रेजेंट किया गया है तो डिवाइड करेंगे 4 का। अगर एक सिंबल 5 का होता तो डिवाइड 5 का करते, 10 होता तो 10 का डिवाइड करते, ठीक है। जो इजीली डिवाइड हो रहा हो उसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो, जैसे कि 4 में इसका डिवाइड चला जाएगा, 4 7 से 28 इसमें नहीं जा रहा, 4 6 से 24। जिनका चला गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं जा पाया आप और एक अलग से रफ शीट लेना और डिवाइड कर लेना। मैं आपको डिवाइड इसके नीचे ही करके दिखाया था, 26 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 6 से 24 कितना बच गया 2, डेसिमल लगाया 0, 4 5 जा 20, यानी कि 6.5। 30 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 7 जा 28 कितना आया, माइनस करने पर 2, डेसिमल लगाया 0, 4 5 जा 20, 7.5 आया। 29 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 7 जा 28, 1 बच गया, डेसिमल लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 बच गया, डेसिमल लगाया 0, 4 5 जा 20 लिख लिया मैंने, तो ये आ गया 7.25। अब 22 में 4 का डिवाइड देना है, 4 5 ज़ा 20, 2 बच गया, डेसिमल लगाया 0, 4 5 ज़ा 20, ये हमारा कितना आ गया 5.5। जो सिंबल आएगा ना इनके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर सिंबल रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे 6 रिप्रेजेंट करता है तो 1 2 3 2 5 और ये 6, इस तरीके से मैंने 6 फिगर ड्रॉ कर दी। 6.5 है यानी 6 तो कंप्लीट होगी और ये क्या बनेगी, हाफ बनेगी। 1 2 3 4 5 6, तीन तीन 6, 6 तो पूरी बनेगी और ये क्या बन जाएगी, हाफ, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप अपनी पिक्चरोग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। यहाँ पे 7.5 है यानी 7 तो कंप्लीट बनेगी और एक बनेगी हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हाफ,
यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 7.25 है, तो यानी 7 तो कंप्लीट है, और ये क्या बनेगी, हाफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लो जी। अब यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद अगला 5.5, यानी 5 तो कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, और एक बनेगी हाफ। ठीक, आप चाहो अपने हिसाब से इसको 2 का भी लेके कर सकते हो, अगर 2 का लोगे तो 2 का सब में डिवाइड देना है, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उतनी ही फिगर बनेगी, डेसिमल के बाद का जितनी भी फिगर आएगी आप उसको हाफ फिगर में ड्रॉ करोगे, ठीक है। और डिवाइड जो डेसिमल में जा रहा है उसको आप नीचे कोई अलग से रफ शीट लेके इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे 5 लेके ड्रॉ किया गया है, आप 10 भी लेके ड्रॉ कर सकते हो, 8, 3, 4, जो आपको अच्छा लगे आप उससे ड्रॉ कर लो, ठीक है। जितना आप छोटा नंबर लेके करोगे उतना ही आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लियर। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।